चौहटन विद्यालय में व्यवस्था देखने पहुंचे अधिकारियों को बच्चे पानी खींचते नजर आए। बाड़मेर चौहटन जिला शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा एवं उपखंड अधिकारी भूपेंद्र यादव ने बुधवार को स्थानीय आदर्श सीनियर सेकेंडरी विद्यालय चौहटन का अकस्मात सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कई अनियमितताएं पाई गई। वही निरीक्षण के लिए विद्यालय में पहुंचने पर उन्हें कई स्कूली बच्चे पानी के टांके में से पानी निकालते हुए मिले। बच्चों से पानी खींचवाने सफाई करवाने को लेकर उन्होंने विद्यालय स्टाफ को फटकार लगाए। वही मोबाइल का उपयोग कर रहे शिक्षक शिक्षिकाओं को ऐसा नहीं करने के निर्देश दिए। विद्यालय निरीक्षण के दौरान छात्र पंजीयन रजिस्टरों में छात्र छात्राओं की जन्मतिथि का भी न तो इंद्राज किया गया पाया और न ही जन्मतिथि प्रमाणित दस्तावेज मिले। इतना ही छात्रों के उपस्थित रजिस्टरों में उनके SR नंबर भी इंद्राज नहीं पाए गए। दस्तावेज अवलोकन के दौरान तीन अलमारियों की चाबियां उपलब्ध नहीं होने के कारण तीनों अलमारियों को सीज कर दिया गया। प्रवेशोत्सव के दौरान विद्यालय में प्रवेशोत्सव नहीं मनाए जाने व बच्चों के कम प्रवेश होने को लेकर भी कारण पूछे गए तथा प्रधानाचार्य नंदलाल चौहटन व प्राथमिक प्रभारी केशी चौधरी को निजी तौर पर 10-10 नामांकन करवाने का लक्ष्य दिया गया। SDM भूपेंद्र यादव व जिला शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा ने प्रधानाचार्य को विद्यालय प्रबंधन को दुरुस्त बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। वही पाई गई खामियों को लेकर फटकार लगाई। चौहटन से विपिन भंसाली की रिपोर्ट। आप यही है क्या टीचर? उसको बोलो टीचर को कौन है वो। बेटा मत खेचो इसमें से पानी नहीं खेचो ठीक है बेटा आप अपनी क्लास में जाओ। ये सुविधा नहीं था लेकर क्या आओ ना वहाँ से। अभी एक बार देख लिया यहाँ पे इसे मैं। फिर बच्चों को क्यों काम में ले रहे हो? आपके ये बच्चे लेके आए बेटा। आप ये छोड़ दो तुम्हें नहीं उठाना है। स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर के हमें पहले भी शिकायतें मिली। हम रेगुलर चेकअप भी करते हैं, देखते हैं, विद्यालय का निरीक्षण करते हैं। आज DO साहब के साथ में विद्यालय का निरीक्षण किया है। कमियां बहुत हैं, सुधारने के निर्देश दिए हैं। कुछ पानी को लेकर के कमियां मिली हैं। बच्चों का डिसिप्लिन नहीं है, मैनेजमेंट सही नहीं है, प्रिंसिपल साहब की कुछ कमियाँ हैं। तो आज निर्देश दिए और जो भी उचित कार्रवाई होगी उनके खिलाफ हम करें। आज किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की? कार्रवाई के लिए अभी जो भी नामजद किए हैं वे जो दो चार व्यक्ति जो कमियां पाई गई हैं, इस पुशार में कुछ कमी मिली है, प्रिंसिपल के मैनेजमेंट प्लान में कुछ कमी है, तो उनको नोटिस दिए जाएंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उपखंड अधिकारी महोदय के साथ में औचक निरीक्षण किया गया। विद्यालय में साफ सफाई और स्वच्छता की कमी महसूस हुई। साथ ही स्टाफ पर्याप्त होने के बावजूद भी जो कक्षाएं हैं उनमें एक नियमित रूप से अध्ययन शिक्षण जो करवाया जाना था उसकी भी कमी महसूस हुई। और भौतिक संसाधनों के विकास के लिए भी विशेष निर्देश प्रधानाचार्य जी को देने पड़े। सभी शिक्षकों की सामूहिक बैठक लेकर के एक एक के कार्य के बारे में उनसे पूछा गया। साथ ही सबको आदेशित किया है, निर्देशित किया है कि अपने जॉब चार्ट के अनुसार वो नियमित रूप से कार्य करें, जिसमें भी वो शिथिलता महसूस की गई है। स्कूल की अलमारियों को सीज किया गया, इसकी क्या वजह रही? स्कूल का तो हमको रिकॉर्ड देखना था जी कि भाई नियमित रूप से रिकॉर्ड संधारित हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब चूंकि संबंधित जो लिपिक है वो आज अवकाश पे है, जब भी अवकाश पर से आएंगे तो अलमारियाँ खोल करके हम रिकॉर्ड को देख लेंगे। वैसे रिकॉर्ड से संबंधित कोई ऐसी विशेष शिकायतें नहीं है, लेकिन चूंकि नहीं है लिपिक,
हमारे समक्ष ही खोल करके हम उसे।